मेरे किचन में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए देर न करते हुए मैं आज आपको चीला बनाना सिखाऊंगी। चीला बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, और ये बहुत हेल्दी भी होता है। और चीला बनाने के लिए देखिए, हम सूजी लेंगे। मैंने ये वाला पतला वाला सूजी लिया है। अगर आपका आपके पास सूजी और मोटी है तो आप उसको ग्राइंड कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने पानी लिया है, यहाँ मैंने दही लिया है, और यहाँ पर देखिए काली मिर्च को मैंने कूट लिया है। इसमें काली मिर्च डालना कंपलसरी होता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अदरक को क्रश कर लिए हैं। यहाँ मैंने मिर्च लिया है 3 से 4, कड़ी पत्ता लिया है, और यहाँ पर देखिए मैंने प्याज लिया है, और यहाँ जीरा लिया है। इन सभी इंग्रेडिएंट से मैं यहाँ पर बनाऊंगी। और मैंने यहाँ टेबल सॉल्ट लिया है, नमक। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, मैं इसमें सूजी डालूंगी। मैं आपको हर एक स्टेप करके दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें 1, 2, 3 और 4, आपको 5 चम्मच इसमें ये मैंने चावल लिया और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया बिना फुलाए। आपको भी इसी तरह से ग्राइंड कर लीजिए। इसके बाद मैंने जो काली मिर्च को कूटा है ना, उस काली मिर्च को मैं इसमें डाल दूंगी। इसके बाद कड़ी पत्ता को छोड़कर मैंने जितनी भी इसमें इंग्रेडिएंट लिए, इन सभी को मैं इसमें डाल दूंगी। बने रहिए मेरे चैनल पे, मैं आपको हर एक स्टेप करके दिखाती हूँ। और ये बहुत ही अच्छा बनता है, मैं आपको दिखाऊंगी। आपको कभी मन करे तो आप इस तरह से बना के खाइए। इसके बाद मैं इसमें दही डालूंगी। ये देखिए मैं दही डाल दी हूँ। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, और आप अब इन सभी चीजों को मिला लीजिए। सूजी में देखिए, और आपने जो पानी लिया है ना, इस पानी को इसमें डाल दीजिए, और इसको ऐसे करके मिला दीजिए। इसमें थोड़ा पानी और बढ़ेगा क्योंकि आपका जो मिश्रण होना चाहिए ना, वो पतला ही होना चाहिए। बहुत गाढ़ा नहीं, मीडियम भी नहीं, और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें मैं थोड़ा पानी और डालूँगी। पहले मैं सूजी और सभी चीज़ों को इसमें अच्छे से मिला लेती हूँ। अभी मैं इसमें 1/2 कटोरा पानी और डालूँगी। बने रहो मेरे चैनल पर। और ये बहुत ही अच्छा बनता है चीला, एक बार ज़रूर आप ट्राई करना। इसमें दही कंपलसरी होता है। मैं इसमें भी और पानी डालूंगी, और इसको मैं 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी भूनने के लिए। इसके बाद मैं इसमें पानी डालूंगी। अभी आप इस तरह करने के बाद इसको अच्छे से ढक के छोड़ दीजिए। सूजी जब फूल जाएगा तो मैं इसमें फिर से पानी और डालूंगी। बने रहो मेरे चैनल पे। अब हम इसकी चटनी तैयार करेंगे। देखिए हम इसको चेक करेंगे। आप इस तरह से कलछुल ले लीजिए। देखिए इसमें पानी भी और पड़ेगा, और यहाँ देखिए मैंने पहले 1 कटोरा पानी लिया था ना, मैंने 1/2 कटोरा पानी लिया, तो इस पानी को इसमें पूरा का पूरा डाल देंगे। इसके बाद मैं इसमें धनिया पत्ता डाल दूंगी, और देखिए ये देखिए इन सभी चीज़ों को हम मिला देंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, आपको ऐसे ऐसा घोल को रखना है, और 5 मिनट के लिए मैं इसको फिर रेस्ट पे छोड़ दूंगी। हम देखते हैं हमारे मिश्रण का क्या हाल है, चेक करते हैं। देखिए अब इसको हम चला देंगे। देखिए इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें और मिलाएंगे। देखिए आप देख सकते हो, और यहाँ देखिए मैंने तवा चढ़ा दिया है। और आप बने रहो मेरे चैनल पे, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसको बनाते हैं। ये देखिए हमारा मिश्रण बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए, आप देख सकते हो। अब आपको करना क्या है कि इसमें 1 चम्मच आपको मस्टर्ड ऑयल डाल देना है, और इसको चला देना है।
और आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, तवे पर इस तरह से पानी डालना है और फिर कोई भी सूखे कपड़े से आपको इसको पोंछ देना है। इसके बाद आप इस तरह से कपड़ा कोई लीजिए लीजिए और तवे पर आपको कपड़े की सहायता से पूरा ऑयलिंग करनी है। आपको दिखाती हूँ, मैंने रहो मेरे चैनल पे। और अब जो आपने मिश्रण तैयार किया है ना, उस मिश्रण को इसमें डालना है। और इसको आप पकने देना है और कपड़े की सहायता से किनारे किनारे आपको इस तरह से ऑयलिंग करनी है। इस तरह से, और ये बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से आप कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल पे। ये देखिए आपको ऐसे कर करके किनारे किनारे सबको पकाने हैं और इसके किनारे किनारे आप हल्का सा ऑयलिंग ऑयल दीजिए। देखो, और ये बहुत ही अच्छा बनता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। देखिए, और इसको भी हम पकने देंगे। और आप देखिए इस तरह से पलटे की सहायता से आपको इसको किनारे से देखना, अगर ये पकेगा ना तो किनारे से अपने आप छूट। अभी देखिए अच्छे से पका नहीं है, इसको पकाना है चारों तरफ से। आप तवे को इस तरह से घुमा घुमा के पकाइए चारों तरफ से। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, और ये बहुत ही अच्छा चीला बनता है। देखिए आप इस तरह से इसको पकाइए, बने रहो मेरे चैनल पर, मैं आपको हर एक स्टेप करके दिखाऊंगी। अब देखिए मैं इधर से पका रही हूँ, इस तरह से आप तवा को पकड़ के चारों तरफ से इसको पकाइए, जिससे कि चारों कोने में अच्छे से पक जाए और खूब अच्छा चीला आपका बने। देखिए मैं आपको हर एक स्टेप करके दिखा रही हूँ कि आपको किस तरह से पकाना है। इस तरह से तवा करके पकाइए जिससे किनारे अच्छे से पक जाए। देखिए बनाते समय जो भी थोड़ी बहुत परेशान, मतलब जो भी चीज़ें आपको ट्रिक अपनानी है मैं आपको बताती हूँ इस तरह से, वरना आपका चीला जल जाएगा। इस तरह से आपको ये देखिए, अब आप पलटे की सहायता से देखिए कि किनारे इसकी छूट रही है कि नहीं। देखिए अभी इसके किनारे अच्छे से पकी नहीं है। ये देखिए इसको हम अभी और पकाएंगे, बने रहो मेरे चैनल पे। ये देखिए हमारा चीला बन गया, आप देख सकते हो कितना अच्छा बना है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए मेरा चीला बन के तैयार हो गया। अब ये देखिए मैंने मूंगफली चटनी बनाई है। आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हो मैंने मूंगफली चटनी कैसे बनाई। और ये देखिए चीला, मैं तो चलिए अपना चीला खाने, आप भी मेरे साथ चलिए और मैं बाकी चीला को भी देखिए बना रही हूँ। बने रहो मेरे चैनल पे। देखिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं आपको इतना ही ईजी और ऐसे हेल्दी ट्रिक्स बताती रहूँ जिससे आप भी घर बैठे और आनंद उठाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।